कांगड़ा के इंदौरा में शिक्षकों ने निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पिछले एक साल से उन्हें वेतन नहीं दिया। हमें ना यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है, और कोई मसला नहीं है, रेगुलर सैलरी मिले तो यूनिवर्सिटी ठीक ढंग से चले। शिक्षकों ने इस संबंध में कई बार विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात भी की, मगर उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह 21 जनवरी को चक्का जाम करेंगे। मैनेजमेंट बोल रही है, हम 8 दिन से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, इतनी ठंड भी है। हमने एक ही बात की रजिस्ट्रार सर से, बीसी सर से, कि हमने मैनेजमेंट से बात करो हमारी। वो बोले मैनेजमेंट बोलते हम इनसे नहीं मिलेंगे, चाहे बाहर बैठे रहो 10 दिन 20 दिन महीना, हम इनसे नहीं मिलेंगे। तो आज आप क्या करने आए हैं? हमने पहले भी 10 दिन पहले एसडीएम सर को प्रस्ताव दिया था, पहले स्ट्राइक का दिया, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। तो 8-10 दिन हो गए, हमारे कोई पूछ मांग कोई नहीं मारी। हम आज एसडीएम सर को बोलने आए हैं कि मंडे तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो हम बैरियर चौक पे धरना दे देंगे, सारे लेडीज स्टाफ जितना भी है, जेंट्स स्टाफ, सारे हम धरना दे देंगे चक्का जाम कर। वहीं एसडीएम गौरव महाजन ने शिक्षकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।